नमस्कार, आप सभी को स्टैंडर्ड न्यूज़ पर स्वागत कर रहा हूं। मैं आपका मनसे मोसंग और आज हम मौजूद है जयरामपुर एपीपी चेक गेट पर। और आज यहां पर आप लोग देख सकते हैं भीड़ इसलिए इकट्ठा हो रहा है यहां पर, जो यहां 51 नंपोंग के एमएलए एस्पिरेंट कैंडिडेट जो श्री किमसोंग मोसंग जो कांग्रेस के टिकट लेकर यहाँ पर आज पधार रहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसको स्वागत करने के लिए यहाँ पर यहाँ के जितने भी नंपोंग जयरामपुर मनमोह के पब्लिक जो है गैदर होकर यहाँ पर उसको ग्रैंड रिसेप्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो इसी न्यूज़ को आप लोग आगे तक देखने के लिए जुड़े रहे इस तरह न्यूज़ के साथ। गुड मॉर्निंग, मैं मिसेस रुमी लोंगरे लंगमान पर आसो और आज दिन यहाँ सर किम सोंग कारण आम वेलकम कर खड़ा आसो और तर सपोर्टे आसो आम भाई हि भल हम और आम हर एक दिन साथ दी। थैंक यू। सो फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टू थैंक यू स्टेज डे न्यूज। सो फर्स्ट अफ अल मेरा नाम लिखो मोसांग है। सो आई एम स्टूडेंट भी हूँ मैं। सो फर्स्ट अफ अल आज का ये पब्लिक जितना भी गैदर किया है, एस वी ऑल नो अभी इलेक्शन हो रहा है, जितने भी एक्सपेक्ट किए थे वहीं से बहुत डबल एक्सपेक्टेशन पे उतारा। आई थिंक दैट कि 4-5 thousand लोग है आए हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत सारे लोग मतलब ये रिसेप्शन के लिए आए हैं ये इवेंट को। सबसे पहले तो आप सभी को, मीडिया फ्रेंड्स को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। आज इतना ह्यूज नंबर टर्न अप होगा मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं आपको सच कह दूं, जितने भी लोग आज गैदर हुए हैं इन लोग वॉलंटियरली और विलिंगली मुझे साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए दूर दरिया गाँव से निकल के आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है मुझे AICC और APCC हाई कमान की ओर से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का टिकट 51ST नामपोंग के लिए मुझे चुना गया है, मुझे दिया गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने जितने भी यहां के वासियों हैं, मानमाव के जयरामपुर से, रिमापुटुक सर्कल से और नामपोंग सर्कल से जितने भी मेरे माता पिताओं, भाई बहन बंधुओं जितने भी आज आए हैं, मैं मेरे तरफ से और मेरे कांग्रेस के टीम्स की ओर से मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा सर, आपने कांग्रेस टिकट ही क्यों चुना, क्यों आगे टिकट नहीं चुना? वेल देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, एट द सेम टाइम इट इज़ द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी। और मैंने लोगों के कंसेंसस लेकर के ही मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हमको कांग्रेस टिकट लेना जरूरी है। सर, जो कि आप एक यंग लीडर हैं, डायनेमिक लीडर हैं, तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस अपकमिंग इलेक्शन के लिए? बीइंग एज अ यंग एंड एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर, मैं अपने जितने भी भाई बहन बंधुओं खास करके यूथ लोग को मैं यही उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, अपना जो कीमती वोट है उसको ऐसे बेकार में वेस्ट ना करें। ये जो अपकमिंग जो इलेक्शन है, कारण
We have seen a lot of unemployment in the last 10 years. बहुत लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन आज उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो जिसका वजह से दे आर बिकमिंग विक्टिम ऑफ ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिक यूजेस एसेट्रास। तो मैं एज ए यंग यूथ होकर के मैं उन लोगों का इमोशंस और सेंटिमेंट में समझ सकता हूँ। तो मैं उन लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि आप सब जितने भी हैं INC के फेवर में, मेरे सपोर्ट में आप लोग वोट कीजिए, और ज़रूर इन फ्यूचर इफ़ आई एम बीइंग इलेक्टेड एज अ MLA, आई विल डेफिनेटली वर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ्स, मेल फीमेल जितने भी हैं यूथ से, उन लोगों को आगे फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने में उन लोगों का मैं सहायता करूँगा। ओके सर, मेरा तरफ से आखिरी सवाल रहेगा सर, आखिरी सवाल ये है कि आप भी एक युवा नेता हैं, यूथ लीडर हैं, तो सर आपके जीतने के बाद आपका मतलब ये इलेक्शन का मैनिफेस्टो क्या रहेगा सर? वैसे तो अभी हम लोगों ने बनाया नहीं, बट कुछ ऐसे पॉइंट मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ का रोड कनेक्टिविटीज, जो कि दूर दरिया गाँव में आज तक रोड सेंक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, बट ऑल एट अ वेरी डिलेपिडेटेड कंडीशन। गाँव के लोग जो है शहर आ नहीं सकता है, दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो मैं रोड कनेक्टिविटी को सुधार लाने के लिए मैं काम करूँगा। सेकेंडली, जो हम लोग भविष्य के लिए जो हम लोग सोचते हैं, बात करते हैं, बच्चे लोगों को जो पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रेंथन कराने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए मैं काम करूँगा। एंड थर्डली, जैसे कि हमारा यहाँ से अरुणाचल से लोग, कई लोग जो है आसाम जाते हैं ड्यू टू इनसफिशियंट टेक्नीशियंस एंड दी टेक्निकल इश्यूज, जैसे कि आपका अल्ट्रासाउंड और अनेक चीज़ ऐसे जो हम लोगों का यहाँ मेडिकल सेंटर में नहीं पाया जाता है, जिसका वजह से उन लोगों को खर्चा करना पड़ता है, देयर इज उनका इनकम नहीं है। तो आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दोस सेक्टर, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार जैसे कि हमने थोड़े पहले मैंने बताया है कि जो हमारा यूथ्स लोग है जो अनएम्प्लॉयड है, हमारे इस बीच में भी कई लोग जो है पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे ही सिर्फ नहीं है बल्कि देर आर फ्यू टैलेंटेड स्टूडेंट्स। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोग डिग्री लेके सिर्फ नहीं ना बैठे, बट दोस हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द पोअर फैमिली, हु आर क्वालिफाइड एंड हु आर टैलेंटेड, हु हैज द कैपेसिटी टू गो अहेड टू फेस द UPSC एग्जामिनेशन, APCS एग्जामिनेशन। तो मैं चाहता हूँ कि अपना एक विधायक होकर के जो आगे जाके जो कोचिंग लेता है उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट देने का मैं व्यवस्था करूँगा, चाहे वो MLA लेट का हो, चाहे वो DOTCL से क्यों ना हो, चाहे वो SIDF से, जो भी हमारा MLA डिस्क्रिमिनरी में जो भी पैसा गवर्नमेंट दे रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर हमारा इस तंगसर समाज से 51 कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं देखना चाहता हूँ CO, SDO, ADC, DC, IPS, IFS, Officer, Engineers. Okay, thank you so much.